हेलो दोस्तों, मैं शिवांगी एज अ स्काईवे लीडर के तौर पे आप सभी के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। स्काईवे फिफ्थ जनरेशन ट्रांसपोर्ट है जिसका हेड ऑफिस बेलारूस और उसका साइंटिस्ट अनातोली है। स्काईवे ट्रांसपोर्ट का वर्क लास्ट 5 ईयर से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। स्काईवे को वर्ल्ड की सभी टॉप सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। इसे सेटअप करने में खर्च बहुत ही कम है। इनफैक्ट इसका ऑपरेशन कॉस्ट भी जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं उनसे कम है। इसका टॉप स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है, जिनमें जीरो एक्सीडेंट एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। इनफैक्ट फ्यूल कंजप्शन भी इसका औरों से कम है। स्काईवे प्रोजेक्ट में 15 स्टेज तक काम करना है, जिनमें हम अभी 14 स्टेज में चल रहे हैं। हमारा 15 स्टेज में IPO को लॉन्च करना है, जिसके लिए सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे हो चुके हैं और 2018 के मिडल तक होपफुली IPO लॉन्च हो जाएगी। इंडिया में अभी तक 4 स्टेट में इसे कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, रांची, हैदराबाद, धर्मशाला एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सरकार कंटेनर को शिपयार्ड तक डायरेक्ट पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है। स्काईवे पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनमें हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट के बराबर को ओनर बन रहे हैं। स्काईवे को अभी 9 कंट्रीज़ में कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, जिनमें इंडोनेशिया, टर्की, इंडिया, इटली, ओमान, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा है। इन मई 2017 दिल्ली के प्रगति मैदान में एक एग्जीबिशन के दौरान स्काईवे को भी लाया गया और उस टाइम $200 में 20,000 पर IPO शेयर के लिए को ओनरशिप दी जा रही थी, जो कि अब $200 में 12,000 पर IPO शेयर दी जा रही है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि IPO के लॉन्चिंग टाइम तक हमारे शेयर्स के वैल्यू कितने होंगे। भारत सरकार के सपोर्ट से ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्यूचर इन द प्रेजेंट के थीम पर 14 अक्टूबर 2017 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में सरकारी ऑफिशियल, स्काईवे पार्टनर्स एंड बिजनेस मेंबर्स भी पार्टिसिपेट किए एंड इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि दिसंबर तक इसका अपना ऑफिस दिल्ली में खुल रहा है। अब आप सभी सोच रहे होंगे हम स्काईवे को क्यों ज्वाइन करें। ओके देन फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम जितने मनी इन्वेस्ट करेंगे उसी के बराबर हमें को ओनरशिप दी जाएगी। क्राउड इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत सारे लोग मिलके छोटे बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक बड़ा फंड क्रिएट कर एक प्रोजेक्ट में लगाया जाता है और सभी उस प्रोजेक्ट में अपने शेयर के बराबर को ओनर होते हैं। इस प्रोजेक्ट में किसी को इंटरेस्ट नहीं दी जाता। क्यों? क्योंकि हम लोन लेते ही नहीं। जैसे दिल्ली में मेट्रो ट्रांसपोर्ट है, उसमें जापान गवर्नमेंट को लोन इंडिया सरकार को दिया गया है, जिसका भारत सरकार को हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है, साथ ही में रॉयल्टी भी। बट स्काईवे को कहीं इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम ही को ओनर हैं। फ्यूचर में हमें लाइफ टाइम डिविडेंड और शेयर प्राइस इंक्रीज का बेनिफिट मिलता है। फ्यूचर में अगर हम चाहें तो उसे सोल्ड आउट भी कर सकते हैं। आप सभी के दिमाग में अब एक सवाल चल रहा होगा कि प्री IPO शेयर आखिर है क्या। तो आइए हम जानें कि ये है क्या। जब किसी शेयर को खरीद बिक्री के दौरान एक्सचेंज में लाया जाता है तो वह लिस्टेड हो जाता है और वो लिस्टेड होने से पहले उस शेयर को प्री IPO शेयर कहते हैं। अभी इसका प्री IPO शेयर का कॉस्ट 1 रुपीज़ है, जो कि नेक्स्ट ईयर IPO आने के बाद $1 यानी कि 65 रुपीज़ के लगभग होगा और आपका इन्वेस्टमेंट सीधे बढ़ के 65 गुना हो जाएगा। और 3 ईयर्स अगर आप इस शेयर को होल्ड करते हो तो इसका प्राइस बढ़कर $30 यानी कि 1920 रुपीज़ तक हो सकता है, यानी आपका 10,000 रुपये 2 करोड़ के बराबर होगा और डिविडेंड भी मिलेगा साथ में। ठीक उसी तरह फेसबुक की प्री IPO शेयर की वैल्यू 2009 में $1 थी और अब IPO आने के बाद $30 हो गई है और आज नवंबर 2017 में $175 हो गई है। सिर्फ 8 साल में फेसबुक के प्री IPO शेयर की प्राइस 175 गुना हो चुकी है।
So friend, don't miss lifetime opportunity and invest according to your capacity as much as you can. Take pre-IPO share of Skyway. Skyway के बारे में अब आपको और भी अधिक जानकारी के लिए आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें जिसने ये ऑडियो प्रोवाइड किया है. प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट हिम. यही इसी के साथ मैं शिवांगी आपसे विदा लेती हूँ. थैंक यू.